नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का सच। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? गुरविंदर सिंह। कब से आ रहे हो सर आप डेरी के अंदर? हम बचपन से आ रहे हैं। कैसा माहौल देखा है सर? बिल्कुल बढ़िया है माहौल, कोई ऐसी बात नहीं जैसी मीडिया ने बताई है, ऐसी 1% भी बात नहीं है इधर। सर, लड़कियां जो डेरी के अंदर आती हैं सुरक्षित हैं वो? जी बिल्कुल सुरक्षित हैं। आपकी माताएं बहनें आती हैं क्या? जी बिल्कुल आती हैं, बचपन से आ रही हैं, अब तक आ रही हैं। सर, समाज में आज संत जी नहीं है तो क्या बुराइयाँ बढ़ रही हैं? बुराइयाँ बढ़ तो रही हैं, उनके ना होने से बहुत असर पड़ रहा है समाज पे। सर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं मास्टर हूँ मैथ में, मास्टर डिग्री की है। सर, आप इतने पढ़े लिखे हो, वेल एजुकेटेड हो, उसके बावजूद डेरा जैसी जगह पे आखिर क्यों आते हो? जी मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन का धर्म से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि धर्म हर एक इंसान के लिए है, एजुकेशन के साथ नहीं। सर, समाज भलाई के लिए संत जी ने कुछ कार्य किए? जी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, जैसे खूनदान चलाना, गरीब लड़कियों की पढ़ाई का खर्चा, उनको मकान बना कर देना, ये सभी बातें और भी बहुत सारे कार्य गुरुजी चला रहे हैं और आज भी संगत कर रही है। सर, आज हमारे समाज को जरूरत है संत जी की, लगता है? जी बिल्कुल है, 100% है जरूरत। आज अगर वो होते तो और भी मानता भलाई के काम आगे बढ़ते। सरकार से क्या मांग करोगे सर? सरकार से यही अपील करते हैं कि वो सच को जल्द से जल्द सामने लाए और गुरुजी को निर्दोष ही हैं वो तो, और साबित भी करे और जनता को बताए भी कि संत जी निर्दोष हो। सर, लोग कहते हैं यहाँ पर वेल एजुकेटेड लोग नहीं आते। जी बिल्कुल, आपके सामने ही हूँ मैं और हमें मेरे जैसे बहुत हैं जो आते हैं। सर, संत जी पे जो भी एलिगेशंस लगाए गए, क्यों आखिर क्या कारण है? इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं वो समाज भलाई के, जी तो कौन लोग पीछे? जहाँ तक वैसे गुरु जी आप ही सत्संग में हम ही कहा करते थे कि जैसे नशा माफिया है या कुछ भ्रष्टाचार लोग हैं, वो उनको ये सच्ची बातें नहीं पचती, इसलिए वो ऐसे एलिगेशन लगाते। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार लोग आ रहे हैं और ये वेल एजुकेटेड हैं, इनका कहना है कि जो लोग कहते हैं कि संत जी के यहाँ पर एजुकेटेड लोग नहीं आते, वो जरा उन लोगों डेरा के अंदर आके देखें वहाँ पर कितने लोग आते हैं, फॉरनर्स आते हैं। मगर सबसे मेन बात यह है कि संत जी जो इंसानियत की डिग्री देते थे वो सभी डिग्रियों से बड़ी है, जहाँ पर वहाँ पर जो अनपढ़ भी पहुँच जाए वो भी इंसानियत की डिग्री लेके निकलता था। और आज 7 करोड़ लोगों के घरों में नशा नहीं होता, इससे बड़ी बात क्या है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे समाज को आज संत जी की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।